और घंटी के बटन को दबाकर हमारी न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करें। एमपीआरडीसी द्वारा सावेर से गौतमपुरा सीसी रोड का निर्माण कार्य जारी है। इसमें दिनों ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी से कार्य कर रहा है। इसके कारण ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड के आसपास ठेकेदार द्वारा नाली नहीं बनाने के कारण शनिवार की शाम को पहली बारिश होते ही धर्माठ रोड पर लोगों के घरों में और दुकानों में पानी भर गया, जिसके कारण ग्रामीण परेशान है। अभी बारिश शुरू हुई नहीं तो ये हाल है। जब बारिश झमाझम होगी तो यहाँ के लोग कैसे रहेंगे, या तो भगवान ही जाने। लेकिन ठेकेदार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो रोड बनाई जा रही है उसमें भी घटिया निर्माण किया जा रहा है। मुख्य मार्ग गलत तरीके से व बिना मशीनों की सहायता से घटिया निर्माण करने का आरोप ठेकेदार व इंजीनियर पर क्षेत्र की जनता द्वारा लगाया गया है। लोगों का कहना है कि ठेकेदार देर रात को धांधली करके बिना नप्ती बिना लेआउट मिलाए ऊंची नीची रोड बनाई जा रही है। लोगों का कहना है कि रोड निर्माण के दौरान वाइब्रेटर मशीन नहीं चलाई जा रही। साथ ही जहां लंबे समय पहले रोड बना दिया गया है उसके बावजूद वहां की साइटें अभी तक नहीं भरी गई। जी हां, हम आपको बता दें कि यहां रोड का कार्य दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इन्फो कंपनी द्वारा 34 किलोमीटर के सीसी रोड का 100 करोड़ में ठेका लेकर निर्माण कार्य जून 2018 में जारी किया था, जिसे नवम्बर 2019 में कल्पित करके देना है। इसमें ठेकेदार द्वारा अभी 70% कार्य पूर्ण कर दिया गया है। अब 30% कार्य अब भी बाकी पड़ा है, जिसे ठेकेदार द्वारा ताबड़तोड़ तरीके से किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि काम जल्दी निपटाने को लेकर रोड का घटिया निर्माण कार्य में लीपापोती कर ताबड़तोड़ कार्य किया जा रहा है। यहाँ रोड कई दिनों पहले बन गया था, उसकी साइड भी नहीं भरी गई। आपको ये भी बता दें कि सावेर रोड की हालत खराब है। इंदौर जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि जगह जगह ठेकेदार द्वारा मिट्टी डाल दी गई है, जिसके कारण गाड़ियां भी पलट खा रही है। जबकि सावेर चंद्रावती गंज रोड पर दो व्यक्तियों के एक्सीडेंट में मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार का ध्यान नहीं है। वहीं गौतमपुरा रोड के रहवासियों ने मांग की कि जल्दी से जल्दी रोड के साथ नाली का भी निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे घरों में बारिश का पानी नहीं भरा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम सब ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। कितनी बार शिकायत कर दी, ठेकेदार ना तो कोई आ रहा ना कोई देख रहा है इधर, और पहली बारिश में इतना पानी अंदर घुस गया, हमारा तो अनाज भी भीग गया और ये अंदर गोडाउन के अंदर तक पानी घुस गया। ठेकेदार को बोला, ठेकेदार भी नहीं आ रहा अभी तक। कोई शिकायत कर दी, कितनी बार कर दी, ठेकेदार आ नहीं रहा। बोले हाँ आके देख लेंगे, कर दे। और रोड इतना ज़्यादा ऊंचा बना दिया कि सबके घरों में पानी घुस रहा है।